मैं लगातार आपके बीच आ रहा हूँ, लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। आज मैंने आपके विधानसभा क्षेत्र में कोकस, छापरवाड़ी और सिंगाहड़ का दौरा किया, जहाँ पे रोडों की समस्या है, अस्पताल की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्कूलों बड़ी स्कूल है, सीनियर तक की स्कूल है, उसमें टीचर नहीं है, वहाँ गांव में आने जाने की कोई वाहन सुविधा नहीं है, बसों की समस्या है। इन सब समस्याओं से रूबरू हुआ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं 5 साल पहले या 10 साल पहले क्यों नहीं आया। चलो इसके बाद में इसको बात पे दूसरी बात करता हूँ कि अब बड़े पर्व आ रहे हैं, दशहरा या दीपावली। ये पर्व हमें ये सिखाते हैं कि बुराई चाहे कितनी ही बड़ी हो, बाकी जीत अच्छाई की ही होती है। चाहे रावण कितना ही बड़ा हो, रावण की सेना कितनी ही बड़ी हो, बाकी उस बुराई का अंत रामचंद्र जी के द्वारा ही हुआ हो। माँ भवान माँ दुर्गा के सामने चाहे महिषासुर कितना ही बड़ा हो, बाकी उस बुराई का अंत भी माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके ही किया। दोस्तों लगातार प्रयास है, बाकी इस बुराई पे अच्छाई की जीत जरूर होगी। आप सबका सहयोग मिल रहा है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके साथ इन सब समस्याओं के लिए मैं लगातार आखिरी तक लड़ता रहूंगा, आपके बीच आता रहूंगा। जो भी समस्या है, इन समस्याओं का समाधान भी होगा, हल भी होगा। जो आज अभाव है वो अभाव भी खत्म होगा, आपके गांव में बस भी होगी, अस्पताल भी होगा, पानी भी होगा। ये मेरा वादा है आपसे, बस आप सहयोग इसी तरह करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।